दोस्तों बड़ी कंपनियां कैसे सोचती हैं इतने अच्छे अच्छे एप्लीकेशन के बारे में कि हम मजबूर हो जाते हैं उनके एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। आज इस वीडियो में मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग टिप्स दूंगा कि आप भी बड़ी कंपनियों की तरह सोचने लगोगे। यस, कि हमें मतलब उनकी सोच जो होती है ना, सोच बहुत मायने रखती है सब चीज़ों में। आपकी सोच बदलने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि होता क्या है, हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसे कितने लोग यूज़ करते हैं। बींग फ्रैंक, आप मुझे बताइए, जो हमारी जो थिंकिंग रहती है, जिस तरीके से हम सोचते हैं कि यार ऐसा एप्लीकेशन बनाए, आपको क्या लगता है, आपका आइडिया नया होता है? नहीं, कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर होता ही होता है। मैं बहुत बार ऐसा कोशिश करता हूँ यार, मतलब मैंने कुछ नया सोचा क्योंकि कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं, और मैं अगर प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करूं तो कहीं ना कहीं मुझे वैसा एप्लीकेशन मिल जाता है। चलिए ठीक है, मैं हो सकता है कुछ ज्यादा नया नया सोचता हूं, लेकिन आप लोग में से भी, आप लोगों के साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप लोग जो सोच रहे हो उस टाइप के एप्लीकेशन ऑलरेडी प्ले स्टोर पे होंगे। अभी भी आप जाकर चेक कर सकते हो, ट्राई करो एक बार ऐसा। लेकिन ये बड़ी कंपनियां कैसे मतलब ऐसे इतने अच्छे अच्छे एप्लीकेशन बना देती हैं कि हम लोग यूज करने पे मजबूर हो जाते हैं? सोचती कैसे हैं वो, उनकी सोच को आज मैं मतलब आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वो लोग क्या करते हैं और कौन से स्टेप्स को वो लोग फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उनके कोई भी एप्लीकेशन वो बनाते सक्सेसफुल होता ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा वो करते क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, वो लोग दे आर पैशनेट अबाउट रिसर्च। वो लोग ना रिसर्च पे इतना ध्यान लगाते हैं, यूजर मतलब निचोड़ के पूरा जूस पी लेते हैं। यूजर करता क्या है, दिन भर यूजर कौन से एप्लीकेशन को यूज करता है, रिसर्च करते हैं, मतलब ज्यादा टाइम, ये समझ चलिए कि 65% वो अपना टाइम सिर्फ रिसर्च में लगाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी आपको, मेरे एक्चुअली मेरे साथ जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे कैटेगरी के आपको बहुत चैनल मिलेंगे, मतलब जो जिस कैटेगरी का मेरा चैनल है, मैं एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, इस कैटेगरी के चैनल आपको बहुत मिलेंगे, आप यूट्यूब पे देख लीजिए। लेकिन मेरे चैनल पे आपको हर टाइम कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको मैं कुछ नया बताऊँ, और वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको मेरे चैनल में बताता हूँ जिनकी आपको नीड होती है। यस, आपको वो समझने की जरूरत होती है। वैसे ही जो एप्लीकेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, वो क्या समझती है, यूजर्स को चाहिए क्या। आपको आम पसंद है, आम वो आपके सामने कल आम डाल दे, आम ला के दे देगी, लो भाई आम खाओ, वैसा एप्लीकेशन बना देगी। तो वो सोचते कैसे, आपको अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके लिए वैसा वो एप्लीकेशन बना देगी, ऐसे फिल्टर्स डाल देगी, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आपको वीडियो देखने में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसे शॉर्ट वीडियोस एप्लीकेशन बना देगी। मतलब जो आपको पता है इस टाइम आई रिटेंशन लेना कितना इंपॉर्टेंट हो गया, लोगों का कम हो गया आजकल, मुश्किल से हार्डली अगर आप मेरे इस वीडियो को 2 मिनट तक देख पा रहे हो, उसका मतलब आपको इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन आप सभी को पता है आजकल एक अगर 10 सेकंड 15 सेकंड में वीडियो पसंद नहीं आया तो लोग फटाफट स्किप कर जाते हैं, दूसरे किसी वीडियो को वॉच करने लगते हैं। वैसे ही रिसर्च पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, यूजर को क्या चाहिए, उसको कैसा चाहिए, उसको कब चाहिए, सब पूरा रिसर्च डालती है कंपनियां, रिसर्च पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसने बनाया ऐसा एप्लीकेशन, सक्सेस हो गया क्या, हम भी यही बना लेते हैं, कॉपी करने में हम लोग सबसे आगे हैं, जो ये बड़ी कंपनियां नहीं करती हैं। ठीक है, सेकंड जो टिप, जो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी को यूज करना चाहिए। जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, कस्टमाइजेशन पर्सनलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देती है। एग्जांपल के तौर पे कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसमें हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकें, वैसे एप्लीकेशन को हम यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे। एग्जांपल के तौर पे व्हाट्सएप पे हम अपने हिसाब से थीम चेंज कर सकते हैं, डार्क मोड लाइट मोड हम उस पर ऑन कर सकते हैं, जो हम चैट करते हैं पीछे का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, मतलब हमारे हिसाब से हम अपने जिसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को यूज़ करना भी हम पसंद करेंगे। अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन दे दिया जाए जिस स्मार्टफोन में आप ना वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, ना उसका थीम चेंज कर सकते हैं, ना उसमें कुछ कस्टमाइज कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, मैं गारंटी देता हूँ आप उस जो जिस ब्रांड का फ़ोन है ना वो आप चेंज कर दोगे, आप किसी अदर फ़ोन पे माइग्रेट, कोई जो अच्छा ब्रांड जो आपको ये सारी कस्टमाइजेशन देता हो आप उस फ़ोन को यूज़ करना पसंद करोगे। वैसे ही दोस्तों एप्लीकेशन में भी होता है, जिस एप्लीकेशन में आप कस्टमाइज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, आप उसमें कुछ चेंज ही नहीं कर सकते, तो उस एप्लीकेशन को हम लोग ना पसंद करते, मतलब ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें विदाउट कस्टमाइजेशन भी हम लोग चलाते हैं। ठीक है, बस उसमें एक आध दो प्रोफाइल एडिट का ऑप्शन देते रहते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बट स्टिल कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एप्लीकेशन में। और ये पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखो, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनवाते हो तो यूज़र के हिसाब से कुछ पर्सनलाइजेशन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन ज़रूर दीजिए उसके अंदर। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग कभी यूज़ ही नहीं करते हो, शायद मुझे लगता है आप इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं होंगे। ठीक है, बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ध्यान देती हैं। अब और आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, आप सभी को बताओ, अगर आप एक कोई न्यूज़ एप्लीकेशन आप बनवाइए, अगर आपको वैसे मतलब एक डेमो के तौर पर देखना भी है तो आप प्ले स्टोर पर जाके देख सकते हो,
कोई ऐसा एक न्यूज़ आप न्यूज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जो नॉर्मल एक एंड्रॉयड स्टूडियो पे बना होगा, जावा पे बना होगा, ठीक है, जावा और एक्सएमएल की कोडिंग उस पर हुई होगी, नॉर्मल जो नॉर्मल न्यूज़ एप्लीकेशन होते हैं। और एक फ्लटर न्यूज़ एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए जो फ्लटर SDK वगैरह पे बना हुआ है, ठीक है, दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड पे बना होता है, जो जावा पे जिसकी कोडिंग की गई होती है, ठीक है, उसको क्या होता है, कोई भी फंक्शन को लोड लेता है, बहुत ज़्यादा लोड लेगा, मतलब चलेगा ठीक ठाक, आजकल तो इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है और सर्वर वगैरह आजकल स्ट्रॉन्ग यूज़ हो रहा है तो ठीक ठाक चलेगा वो, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लटर वाला जो रहेगा ना, जिसमें फ्लटर की कोडिंग हुई है, फ्लटर वाला न्यूज़ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को ऐसा आपको फील होगा कि लगता है ये आप डाउनलोड किया हुआ है, मतलब उसमें सारी चीज़ें आपने पहले से डाउनलोड कर रखी है, आपने क्लिक किया, ऐसे फाइल की तरह ओपन होता है, आपने क्लिक किया ओपन हो गया, क्लिक किया ओपन हो गया, तो दोनों में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। अब ये फ्लट क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी में बना हुआ है तो ये ज़्यादा स्पीड फास्ट लोड लेता है, ठीक है, और जैसे आपको मतलब मज़ा भी आएगा, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है इसके अंदर, ठीक है। और जो एंड्रॉयड वाला बना रहता है, अभी भी मतलब काम चल रहा है उस पर, सर्वर स्लो है, चलो ठीक ठाक वर्क करेगा, लेकिन जो फ्लटर बेस पे बना होगा ये ज़्यादा स्पीड में वर्क करेगा, ठीक है। यही टेक्नोलॉजी का यूज़, अब सिर्फ फ्लटर नहीं, आने वाले टाइम पे और भी पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, बट अभी जो कंपनीज हैं वो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं ताकि नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बनाया जाए, वो भी कम से कम MB स्पीड में, फिर बहुत ही कम MB का एप्लीकेशन हो, ठीक है, उस सभी चीज़ों पे फोकस करती है। यूज़र एक्सपीरियंस जितना बेस्ट होगा उतना ज़्यादा वो एप्लीकेशन यूज़ होगा, ये सभी जानते हैं आप, हम लोग जानते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते, जानते हम लोग हैं लेकिन इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ी कंपनी है इन सब चीज़ों पे, ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन इन पे ध्यान बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ जो कि सच में मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी एप्लीकेशन में होना चाहिए, और वो है सिंप्लिसिटी। कोई एक ऐसा एप्लीकेशन आपके सामने अगर मैं सर्व करूं जिस एप्लीकेशन में आपको एक फंक्शन कोड फाइंड करने के लिए 5 मिनट तक फाइंड करना पड़ रहा है, अगर आपको उसमें सेटिंग ही फाइंड करना है तो कभी नेविगेशन पैनल पे जाना पड़ रहा है, कभी बॉटम मेनू पे देखना पड़ रहा है भाई सेटिंग कहाँ पे है, तो उस एप्लीकेशन को भी आप यूज़ करना पसंद नहीं करोगे, उसके ऑल्टरनेट एप्लीकेशन को आप फटाफट डाउनलोड कर लोगे। वैसे ही सिंप्लिसिटी पे ये है तो बड़ा छोटा सा पॉइंट, लेकिन बड़ी कंपनियां इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। एप्लीकेशन जितना सीधा सिंपल दिखेगा, क्लैरिटी रहती है सब कुछ कि जो चाहिए सामने होम पेज पे है, वो फटाफट यूज़र क्या करेगा, जो उसको चाहिए उसका एक तो टाइम बच रहा है, दूसरा सिंपल एप्लीकेशन है तो वो ज़्यादा देर तक यूज़ भी करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे व्हाट्सएप में ऐसा क्या है, व्हाट्सएप में फीचर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन इतना सिंपल बना दिया है ना व्हाट्सएप को, इतना सिंपल बना दिया है कि हम कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, जो नहीं भी पढ़ा लिखा होगा वो भी उसे यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप को अच्छा हर कोई यूज़ करता है। वैसे ही मतलब कभी भी जब आप एप्लीकेशन बनवाओ या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप अगर खुद से डिज़ाइन कर रहे हो तो आप क्या करो कि जितना सिंपल दिखे, जितना नॉर्मल दिखेगा एप्लीकेशन उतना बेस्ट रहता है, सिंप्लिसिटी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो 4 पॉइंट थे, इन 4 पॉइंट के ऊपर आप लोग हमेशा ध्यान रखो, हमेशा इनके बारे में सोचो जब आप एप्लीकेशन बनवा रहे के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहले इन 4 पॉइंट के बारे में सोचो, मैं गारंटी देता हूँ आप एप्लीकेशन के फील्ड में हमेशा सक्सेस रहोगे। एंड आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया इसमें सीखने को मिला होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।